Welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the base question series of class 11 English. आज हम पढ़ेंगे chapter 3, King Tut वाला जो chapter है हमारा, Discovering Tut, जिसका नाम है Discovering Tut the Sada Continues के most important base question. अब ये base question क्या है guys? मैं आपको entire chapter से short question and long question prepare कराने वाली हूँ. यहाँ पे ऐसे question बता रही हूँ, बस ये पढ़ लो exam में, कोई भी question को आप answer करके आ पाओगे, क्योंकि chapter के एक एक कोने से answer यहाँ पे cover हो रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेस क्वेश्चन नंबर 1. हु वाज टट, व्हाई वाज हिज मम्मी गॉट स्कैन. तो किंग टट कौन थे? तो किंग टट वाज द लास्ट हेयर, हेयर मतलब होता है वारिस, ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. व्हेन ही डाइड ही वाज जस्ट अ टीनेजर. तो बहुत सालों तक एक बहुत बड़ी डायनेस्टी ने रूल करा था इजिप्ट पे, उसके आखिरी रूलर थे किंग टट, और वो बहुत जवानी में उनकी डेथ हो जाती है. ही वाज जस्ट अ टीनेजर जब उनकी डेथ हो जाती है. उनकी डेथ कैसे हुई ये नोन फैक्ट नहीं है, कितने छोटे होते वो बच्चे थे वो, उनकी डेथ कैसे हो गई, कोई उनका मर्डर हुआ था या क्या हुआ था, नोबडी नोज इट. तो उसको लेकर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आर्कोलॉजी में चेंजेस आने लगे तो फिर डिस्कवरी करनी शुरू हुई. देखो पहले क्या हुआ था, जब किंग टट की मम्मी को ढूंढा गया था कि वो कहाँ पे रखी गई है जिप में, तो सबसे पहले जॉन जो है हॉवर्ड कार्टर वहाँ गए थे. तो उन्होंने वहाँ पे क्या सर्च करा, उनका खजाना सर्च करा. धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका इंटरेस्ट खजाने से ज़्यादा किस चीज़ में डेवलप हो गया कि भाई अगर किंग टट की डेथ हुई थी और मिस्ट्री है तो चलो उस मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए. तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए किंग टट की मम्मी का सीटी स्कैन कराया जाता है कि क्या जो है उनकी बॉडी को चेक करने के बाद पता लग सकता है. ठीक है, तो आफ्टर हिज डेथ हिज डायनेस्टी केम टू एन एंड, सो दैट हिज नेम वॉज मम्मी वॉज स्कैन. अ सीटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज मम्मी टू गेट द न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. ठीक है, कि उनकी लाइफ और डेथ को लेकर क्लूज लेने के लिए. बीच में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था एक्सरे करके कि किंग टट की रिप केजेस नहीं है. तो ऐसा लगा पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जो नहीं है. फिर सीटी स्कैन करा तो उसका रिजल्ट कुछ और आया था. तो उनके बारे में जानने के लिए सीटी स्कैन करा गया था. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज द किंग टट्स बॉडी बरी. तो किंग टट की बॉडी को बरी कहाँ गया गया था? तो एक इनॉमरस पिरामिड के इनसाइड रॉयल सेमेट्री में किया गया था, जिसका नाम है वैली ऑफ किंग्स. ये एमसीक्यू में भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फेरोआस कर्स. अब ये फेरोआ क्या होता है, ये याद रखो इजिप्शियन किंग को फेरोआ बोला जाता है. तो इजिप्ट कर्स मतलब होता है श्राप. तो फेरोआ कर्स क्या है, वाज दैट डेथ और मिसफॉर्च्यून वुड फॉल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम. डेथ यानी कि वो मर जाएंगे या मिसफॉर्च्यून है उनके साथ, कुछ बुरी चीज़ें होंगी उन लोगों के साथ जो इतने जो है आप मानो कि इतने बड़े किंग की जो है स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं. स्लीप से मतलब है कि उनकी मम्मी को जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको कर्स लगेगा. जब वहाँ किंग टट की मम्मी का जो है पूरा वहाँ पे उसको चेक करा जा रहा था, सारे आर्कोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ थे, तो वहाँ को टूरिस्ट भी गए थे, विजिटर भी गए थे. वो किंग टट की मम्मी का जो चेंबर था उसकी दीवारों पे लगी हुई पेंटिंग्स को देख रहे थे. तो वहाँ पे उनमें से एक विजिटर ये बात बोलता है कि इस तरीके से हम इतने बड़े किंग को उनको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये हमारे साथ गलत भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट तुथामून. दो बड़े क्वेश्चन उनके अराउंड आज तक सॉल्व नहीं हुए, वो क्या है? तो दो बिगेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक उनके अराउंड सॉल्व नहीं हुआ है, फर्स्ट तुथामून का जो है हाउ ही डाइड, कि भाई उनकी डेथ कैसे हुई, एंड नेक्स्ट व्हाट वाज हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. ये भी क्लियर नहीं है. अबाउट 9 ईयर्स तक उन्होंने रूल करा था. अब एग्जैक्ट डेट उनकी क्या है थी, वो टीनेजर थे इतना हमें पता है, कह देते हैं 19 ईयर्स के थे, बट एग्जैक्टली क्या डेट थी वो हम अभी श्योर नहीं है. ठीक है, हु इज़ ज़ाही हवास. ज़ाही हवास कौन है? तो ज़ाही हवास एक आर्कियोलॉजिस्ट है. ही इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स. ठीक है, तो इजिप्ट के आर्कोलॉजिकल काउंसिल का वो एक हेड है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वॉज द नेचर ऑफ वेल्थ विद विच किंग टट्स मम्मी वॉज बरीड. व्हाट वर द थिंग्स ऑफ डेली यूज विच वर बरीड विद हिम. ठीक है, तो किंग टट की मम्मी का खजाने के बारे में आपको बताना है. तो वेल्थ विच किंग टट वॉज बरीड रिमेन्स रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ फेरोआस लेजेंड. तो आज तक जितने भी बड़े बड़े खजाने मिले हैं उनमें से सबसे ह्यूज खजाना मिला है किंग टट का. तो समझ जाओ कितने पावरफुल रूलर थे. द वेल्थ बेसिकली कंटेन्स डिफरेंट स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ गोल्ड. या फिर आप इंग्लिश में अगर आपको सिंपल लिखना हो, द किंग टट्स मम्मीज ट्रेजर हैड डिफरेंट आइटम्स ऑफ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑफ गोल्ड. आप सिंपल इंग्लिश में भी इसको आंसर कर सकते हो. टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स भी रखी गई थी विच इट वॉज थॉट ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. और क्यों इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में वो लोग बिलीव करते हैं, तभी वो लोग डेली यूज की आइटम भी जब लोगों की डेथ होती है मम्मी के साथ में रखते हैं. तो क्या क्या रखा हुआ था? बोर्ड गेम्स, जो लूडो वूडो जैसे हमारे बोर्ड गेम होते हैं वैसे उस जमाने के बोर्ड गेम्स, एक ब्रॉन्ज रेजर रखा
रखा हुआ था, लिनिन के अंडरगारमेंट्स भी रखे हुए थे, ठीक है, कपड़े भी रखे, अंडरगारमेंट्स भी सब रखा हुआ था, एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाना और वाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके केसेस बहुत कुछ उनके साथ में रखा गया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट किंग टट वॉज बरीड इन मार्च एंड अप्रैल. ऐसा कहा जाता है किंग टट को बरी मार्च या अप्रैल में किया गया होगा. अब भाई हमें कहाँ से पता चल गया, पुराने जमाने में कोई डोरेमोन से टाइम मशीन लेकर आए थे हम और वहाँ देखकर आए? नहीं भाई, हमें कैसे पता चला? बिकॉज जब हॉवर्ड कार्टर ने ओपन करा था फर्स्ट नेस्टेड कॉफिन, तीन कॉफिन में किंग टट की मम्मी को रखा गया था, तो जो पहला वाला कॉफिन था उसमें थे श्राउड, श्राउड कवर करने के लिए कपड़ा होता है जो बहुत ही सीक्रेट चीज़ होती है ये श्राउड्स, ठीक है. तो श्राउड रखा गया था और उसके साथ में ऑलिव लीव्स थी, वाइल्ड सेलेरी कुछ प्लांट है ये, लोटस की पेटल थी, और ये सजेस्ट करता है कि ये इसी महीने में ये वाले फूल उगते हैं स्प्रिंग के मौसम में, तभी तो ये हमें लगा कि इनका फ्यूनरल इसी समय में हुआ होगा, इनको जो बरी है इसी समय में किया गया होगा. व्हाट डू यू नो अबाउट एमिनोटॉप थ्री? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एमिनोटॉप अकिंटन जी जो है इनके बीच में हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है. तो एमिनोटॉप थ्री वॉज तुत्स ग्रैंडफादर. He was powerful Feruwa king who ruled for almost 40 years या 4 decades आप कह सकते हो, at the height of 18th dynasty's golden age, ठीक है. Next question, give reason why King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. ये बहुत important question है exam के लिए, इसके आगे important लिख लो, screenshot क्लिक कर लो, इसका important है. क्यों बार बार King Tut की मम्मी को जो है scan करा गया, कभी x-ray करा गया, कभी जाके चेक कर गया, why repeated scrutiny? Scrutiny मतलब क्यों बार बार उनको disturb करा जा रहा था? तो it is to obtain clues and fact about his life and death, क्योंकि वही बात है. देखो guys, एक ही question को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि उनके डेथ के अराउंड बहुत मिस्ट्रीज थी, तो उस मिस्ट्री को जाने के लिए बार बार जो है उन्हें चेक करा जाता था. इट वॉज वन ऑफ सच स्कैन विच हेल्प फाइंड दैट बीनिथ द रीजन दैट टुक हिज चेस्ट ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, ठीक है. तो एक बार एक एक्सरे हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि उनकी जो है चेस्ट ब्रेस्ट बोन फ्रंट रिब्स वगैरह जो है मिसिंग है. द मेन पोटेंशियल एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्क्रूटनी इज टू आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन लॉन्जरिंग अबाउट हिम. हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड was he at the time of his death? Murder being the most extreme possibility. तो ऐसा कहा जाता है शायद उनका मर्डर हुआ था, इसलिए बार बार चेक करा जाता था. एक ये भी बात आई कि उनकी रिप केजेस नहीं है, तो उसके लिए भी हमने बार बार जो है डिसाइड करा कि चलो इनका अब हमें किंग टट का सीटी स्कैन करना है, ठीक है. तो had to chisel away the solidified resin to raise King Tut's remain. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसके आगे आप इम्पॉर्टेंट लिख लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो क्यों भैया जो है उन्होंने किंग टट की मम्मी को बाहर धूप में रखा था? तो धूप में इसलिए रखा था हॉवर्ड कार्टर ने, क्योंकि जो मम्मी थी उसको जो रेजिन्स लगाए जाते हैं, जो केमिकल्स जो उस ज़माने में वो लोग बनाया करते थे मम्मी को कवर करने के लिए, तो वो जो रेजिन्स थे वो चिपक गए थे कॉफिन के बॉटम के साथ और वो निकल नहीं रहे थे. अब वो अगर हमें मम्मी को बाहर निकालना था, तो अगर वो जो है रेजिन्स को निकालना बहुत मुश्किल था, टूट सकती थी पूरा का पूरी मम्मी, बहुत कुछ हो सकता था. तो इसलिए जो है बहुत कोशिशें की गई, हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज़ करी गई, पता नहीं क्या क्या, बट जो है वो चिपक गए थे रेजिन. तो हॉवर्ड कार्टर क्या करते हैं, मम्मी को रख देते हैं धूप में, एंड देन जो है सोचते हैं वो कि रेजिन शायद पिघल जाएंगे, बट तब भी कुछ नहीं होता. फिर जो है एट दी एंड उनको क्या करना पड़ता है, उनको कट करना पड़ता है नीचे से रेजिन को, ठीक है. तो कार्टर फाउंड दैट रिचुअल रेजिन विच वॉज यूज एज अ पॉलिश हैज हार्डन. द रिजल्ट वॉज दैट मम्मी वॉज सीमेंटेड टू द सॉलिड गोल्ड बेस. गोल्ड के जो कॉफिन था ना, वो कॉफिन पूरा गोल्ड का था, उसके बेस के साथ चिपक गई थी. Neither the strongest force could move the mummy nor the blazing sun. तो भाई blazing sun में भी रखा, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था. और आप सोच रहे हो कि क्यों निकालना ज़रूरी था मम्मी को गोल्ड के कॉफ़न से? तो हॉवर्ड कार्टर बताते हैं कि अगर हम गोल्ड के कॉफ़न से किंग टट की मम्मी को नहीं निकालते, तो कोई चोर उचक्के आके जो है वो तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते कि इतने बड़े किंग की मम्मी है ये, वो कैसे भी करके गोल्ड कॉफिन चुरा के ले जाते. तो इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट कि वो गोल्ड कॉफिन को अलग कर रखे, फिर वो सब म्यूजियम में जाके जो है रखा गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही, हु वाज अमेनोटॉप फोर, व्हाई हिज रेन वाज कंसीडर्ड द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट. ये वही वाले आंसर दोबारा लिखना आपको, बट थोड़ा क्वेश्चन अलग है. एक बार आप समझ लो अगर आपको याद ना हो तो अमेनोटॉप थ्री कौन थे? इनको कहा जाता है कि ये किंग तट के या तो दादाजी थे या फिर इनके ये पापा थे, अभी ये पक्का नहीं पता, ठीक है. अगर दादा हो तो बिल्कुल ही सिंपल इनका जो है आप समझ जाओगे, ठीक है. उसके बाद आते हैं अमेनोटॉप फोर, ठीक है. अब अमेनोटॉप फोर जो थे, अगर ये इनके बाद जो ये अमेनोटॉप फोर आए थे, ठीक है. अब इन अमेनोटॉप फोर ने क्या करा था, इन्होंने अपना नाम बदल के कर लिया था अखेंटन, और इन्होंने अपने किंगडम में जो गॉड थे अमून गॉड, उनकी पूजा करनी बंद करा दी थी. इनफैक्ट दूसरे गॉड की पूजा करनी शुरू करवाई थी, एटिन, एटिन कहा जाता है, नहीं सन डिस्क गॉड,
ठीक है, तो इन्होंने 18 की पूजा करानी शुरू कराई, और जो अमून गॉड थे उनके जो मंदिर थे, और जिनको पूरी पूरी दुनिया, मतलब जो उनकी पूरी दुनिया थी, इजिप्ट में जितने भी लोग थे सब अमून गॉड को पूजा करते थे, तो इन्होंने क्या करा, अमून गॉड की पूजा करनी बंद करवाई, उनके मंदिर में जो है वहाँ जाके बंद करवा दिया सब कुछ। उससे क्या हुआ कि इनकी प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और तभी टर्मोइल आ गया था इनके एम्पायर में। ठीक है, फिर इनके बाद एक और रूलर आते हैं बीच में इजिप्ट में, स्मेन खेरा नाम है उनका, और उसके बाद आते हैं ये हमारे तुठामून। तो ये बहुत छोटे थे जब ये किंग बने। अब जब ये किंग बनते हैं तो इन्होंने जो है अखेंटन ने जो 18 कर दी, गॉड की पूजा शुरू कराई थी, कैपिटल बदल दी थी, ये वापस पुराने वाले तौर तरीके लाते हैं जो अमेनोटॉप 3 के रूल में था, इनके दादा या इनके पापा जो भी थे वो, उनके रूल में जो अमून गॉड को पूजा जाता था, ये वापस ओल्ड, बैक टू ओल्ड डेज लेके जाते हैं, फिर से उनके टेम्पल्स बिल्ड करवाते हैं और अपना नाम टट अखेंटन से टट हमून कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना। वैसे मैंने चैप्टर में भी सब क्लियरली समझा ही दिया है, ये यहाँ पे आपका डबल रिविजन हो जाता है। तो अमेनोटॉप 4 ससीडेड, मतलब उनके बाद आए थे, किन के बाद, अमेनोटॉप 3 के बाद, हु वॉज टट्स फादर और ग्रैंड फादर हमें नहीं पता है। ठीक है, हिज रेन वॉज स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री बिकॉज ही प्रमोटेड वर्शिप ऑफ 18 द सन डिस्क गॉड, ही चेंज हिज नेम टू अखेंटन द सर्वेंट ऑफ 18, अखेंटन मतलब क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ 18, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेबिस टू अखेंटन। तो इन्होंने काफ़ी चेंज करे थे, नोन एज अमारना, आज के समय पर अमारना कहा जाता है उसे। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल द टेम्पल्स and statues of Amun who was a major god of Egypt। तो भाई लोग दुनिया बड़ी हैरान हुई इनकी कि भाई ये हमारा राजा क्या कर रहा है, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं अमून गॉड की, उनकी मूर्तियों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मंदिर डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इनके समय पे किंगडम बहुत ही बिल्कुल ही टर्मोइल हो चुका था, वहाँ पे बहुत लोग खुश नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। अब हम, व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टुट अखेंटन टू तुठामून। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तुठामून मींस द लिविंग इमेज ऑफ अमून। टुट टुक हिज नेम बिकॉज ही वांटेड टू रिस्टोर द ओल्ड वेज विच हैड बीन चेंज बाय हिज फादर। हिज फादर की जगह आप लिखना विच हैड बीन चेंज्ड बाय तुठामून 4। ठीक है, ये आपको लिखना है, या फिर टुट अखेंटन लिख सकते हो। तो आप लोग ये मत लिखना बाय हिज फादर, क्योंकि अभी हमको डायरेक्ट थोड़ी पता है कि वो उनके फादर थे, ऐसा कहा जाता है मे बी उनके फादर तुठामून 3 हो। तो आप लिखना बिकॉज ऑफ द ओल्ड वेज विच वॉज चेंज बाय टुट 4। ठीक है, पूरा नाम लिख के 4। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ वॉज आर्कोलॉजी चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कैसे आर्कोलॉजी बदल रही है। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ तुठामून्स टूम, टूम कब डिस्कवर करा गया, तो 1922 में, उससे लेके प्रेजेंट डेट तक आर्कोलॉजी बहुत चेंज हुई है। अब फोकस खजाने पे कम होके फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ पे ज़्यादा होता है। What startling fact was revealed about Tut in 1968? के बारे में एक अलग सी बात आई थी। तो 1968 में तट की मम्मी का जो है कहीं एक्सरे किया गया था, और ये पता चला था दैट उनकी ब्रेस्ट बोन, फ्रंट रिब्स और मिसिंग है, और जो है इसे ये सजेस्ट हुआ मे बी उनकी जो डेथ थी वो नेचुरल ना हो, ही कुड हैव बीन मर्डर। तो उसके बाद फिर 2005 में जाके सीटी स्कैन दोबारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक हार्वर्ड कॉर्टर वॉज जस्टिफाइड रिमूविंग द हार्ड एंड रेजन डिपॉजिट ऑन द टट्स मम्मी, वाई और वाई नॉट। तो वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी कि जो गोल्ड का कॉफिन था उसके यहाँ पे रीजन्स चिपक चुके थे, एंड देन देयर वॉज किंग टट्स मम्मी, तो इनको रीजन्स को ऐसे नीचे से कट करा गया था और तब किंग टट की मम्मी को बाहर निकाला गया। तो डू यू थिंक ये सही था इस तरीके से उनके मम्मी के नीचे से रीजन्स को कट करना, वॉज इट रिस्पेक्टफुल, क्या ये सही था या नहीं था ये बताओ। तो गाइस ये सही था ओनली ऑन वन ग्राउंड, येस कार्टर। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो येस किंग, ओके, तो येस कार्टर सही थे एक ग्राउंड पे, येस कार्टर वॉज राइट बिकॉज इन हिज डिफेंस कार्टर हैड लिटल चॉइस। कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर वो कट नहीं करते तो क्या होता, इफ़ ही हैडन कट द मम्मी फ्री द थीव्स वुड हैव चीटेड द गार्ड्स। जो थीव्स होते हैं ना, चोरों चक्के, वो बड़े बड़े डाकू डकैत आ जाते, वो जो बाहर खड़े गार्ड्स थे उनको मार देते या उन्हें जैसे भी चीट करके चैम्बर के अंदर जा सकते थे, और क्योंकि वो कॉफ़न पूरा गोल्ड का था तो वो कैसे भी करके गोल्ड के कॉफ़न को निकाल लेते, एंड वो केयर नहीं करते कि किंग टट के मम्मी को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्ट में उनको जो है जैसे भी करके वो गोल्ड कॉफ़न निकाल के ले जाते। बट हॉवर्ड कार्टर ने बहुत, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जो है तरीके से जो है रीजंस को कट करके मम्मी को बाहर निकाला और गोल्ड कॉफ़न को म्यूजियम में रखवाया गया। ठीक है, इसीलिए बस जस्टिफाइड था उनका ये सब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टट्स इन 19
In 1922, Tut's tomb was discovered. Much of the treasure buried in the tomb had already been plundered. The materialistic attitude of man does not allow even death to sleep in peace. Will there be any end to this attitude? Discuss. तो ये कहा जा रहा है कि जब किंग टट का खजाना देखा गया 1922 में, तो उनके सारे खजाने को जो हटा के जो है उनके पास से म्यूजियम में रख दिया गया. क्या ये सब सही है, हम लोगों का इतना लालची होना? क्या ये सब सही है कि हम जो है उनको भी डेथ, जो पीपल जिन दो डेड है उनको भी जाके हम इतना डिस्टर्ब करें, क्या ये सब सही है? तो फॉर अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड मैन कैन गो टू एनी एक्सटेंट. Tut's mummy was buried deep in the desert with a lot of gold and other things, believing that the dead pharaoh would need those things in afterlife. तो देखो वो लोगों ने क्यों उन चीज़ों को रखा था किंग टट के साथ, ये सोच के रखा था ना कि उनको afterlife में यूज़ आएगा, तो हम कौन थे उनको निकालने वाले, ठीक है. It was matter of faith, एक faith का matter था वो. When Tut's tomb was discovered, much of treasure had already been looted. ठीक है, जब किंग टट का जो है डिस्कवर करेगा टूम, तो पता चला कि कुछ ट्रेजर ऑलरेडी लूटेड था वहाँ से. द थीव्स डिड इट बीइंग ड्रिवन बाय द मैड फोर्स ऑफ मटीरियलिज्म. तो ऑब्वियसली चोरों ने करा होगा. क्यों करा? क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, उनको ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड अटैच नो इंपॉर्टेंस टू बिलीव रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड सोशल राइट्स एंड रिचुअल. जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, बहुत ही लालची लोग होते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या किसी की बिलीफ है, क्या रिलीजियस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट व्हेन कार्टर फाइनली सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग टट्स टूम, ही फाउंड द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ऑल मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड इन द टूम. इवन द कॉफिन वॉज मेड ऑफ गोल्ड. इन ऑर्डर टू रिमूव द टट फ्रॉम कॉफिन, कार्टर हैड टू कट द बॉडी फ्रॉम इट जॉइंट. सो मैन डज नॉट अलाउ इवन डेड टू स्लीप इन पीस. तो येस, ऑफकोर्स कार्टर ने भी ऐसे ही करा, उन्होंने भी बॉडी को जो ऐसे नीचे से रीजन कट करे, उन्होंने उनकी स्लीप को डिस्टर्ब करा, डेड को भी डिस्टर्ब करा, उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया. बट स्टिल ह्यूमन बींग्स आर मटीरियलिस्टिक एंड ह्यूमन बींग्स ऐसे करते हैं, ठीक है. तो विद दिस, ये एक वैल्यू बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन था. तो ये कंप्लीट होता है. अभी जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.